Shashank recently met his fans, and here his shocking reaction on his crazy fans will leave you open mouthed. Have a look at the interview. बहुत ही अच्छा लग रहा है ये तो आई थिंक बैकबोन ऑफ श्रीशांत एंड भुवनेश्वरी ऑल्सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर एंड द कंप्लीट टीम तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा लग रहा है और अभी तो सिर्फ नस्तीक आसपास लोग आए और बहुत श्रीशांत इतना नहीं है बहुत बहुत ही बड़ा है तो हर सिटी में बहुत बहुत लोग हैं तो भगवान कृपा है एक साइड था क्रिकेटर एक साइड था बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी बट अभी मूवी का भी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सारे इतने अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी टू मेक मी इंट्रोड्यूस टू ऑल दिस पीपल सो थैंक्स टू नैन जी ऑल्सो दैट कि उन्होंने भी बहुत एफर्ट करके यू नो जब से नैन जी आए आई थिंक इट्स बीन अमेजिंग आई डोंट कॉल देम फैंस आई कॉल देम माई फैमिली सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम श्री फैम एंड इट इज़ लाइक मीटिंग योर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली जिनसे आप इतने दिनों से चैट कर रहे थे तो आई एम वेरी 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 डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड आई एम प्लानिंग टू डू दिस meeting in others like cities. Delhi maybe and other cities also jahan pe hum aur bhi logon se mil paaye because inke support ke bina I don't think Shri would have gone so far and in sab ka sari Shri fam ka itna hard work aur itna dedication aur itna sara pyar so you know I was so touched aur jab Big Boss khatam hua I was crying एक खुशी थी श्री के बाहर आने की लेकिन एक दुख था कि अब इन लोगों के साथ कैसे जुड़ के रहा जाए सो या बट दे आर फॉर लाइफ मैं जब मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन अभी भी हूँ तब क्रिकेट खेलने से पहले भी जब का होता मैं भी बहुत एक्सट्रीम होता था मगर मैं बोलूँगा उतना एक्सट्रीम मत जाओ यू नो आपका आपका भी मम्मा पापा है आपका भी एक लाइफ है वर्शिप करना और यू नो किसी को मोटिवेट करना एक तरफ से इंस्पायर करना एक तरफ से बट ऐसे मत करना क्योंकि यू नो यू गॉट टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड सो अगर आपकी हेल्थ की ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरा फ़ैन बन के भी क्या फ़ायदा तो मैं बोलूँगा सबसे पहले अपना फैमिली अपनी फ्रेंड्स उसके बाद आता हूँ मैं तो आई थिंक श्री फैम में यही एक स्पेशलिटी है कि फैमिली जैसा ही है और ऐसा नहीं कि मैंने कल एक इंटरव्यू में बोला था ए बनावट वाला फ़ैन या सिर्फ एक या दो सीज़न के लिए वाले फैंस नहीं है सीज़न नहीं है हम चारों सीज़न में मिलते रहेंगे हर सालों साल मिलते रहेंगे भगवान का शुक्र है क्रिकेट खेलते वक्त भी बहुत सारे लोग थे अभी तो एक बिग बॉस की तरफ से जब बिग बॉस आया तो श्री फैम इतना स्ट्रॉन्ग हुआ तो श्रीशांत फैन एसोसिएशन भी अभी श्री फैम और श्रीशांत फैन एसोसिएशन मिलेंगे तो फिर जय माता दी बहुत कुछ होने वाला है तो आगे देखेंगे बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग तो आई एम श्योर I'll keep myself fit and strong and when this support keeps coming I'm sure bahut aage jaake bahut kuch kar sakta hai it's a Jay's report from Nexen World